अभी रेलवे भर्ती 2020 ईस्टर्न रेलवे ने 2800 भर्तियाँ निकाली हैं, जिन पर सबसे बड़ी खुशी की बात है कोई परीक्षा नहीं होगी, 10वीं के मार्क से होगा चयन। यह है रेलवे का बड़ा तोहफा। जो रेलवे के अंदर नौकरी करना चाहते हैं उन कैंडिडेटों को कोई परीक्षा देनी नहीं होगी। तो चलिए आपको इसका पूरा विवरण बताता हूँ। इससे पहले आप लोगों ने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्तियाँ निकाली हैं। इसके तहत कुल 2792 पद भरे जाएंगे। ये नियुक्तियाँ विभिन्न ट्रेड के लिए की जाएंगी। पहले ये भर्ती 27 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर 21 फरवरी कर दिया गया। इसके बाद इसे फिर से आगे बढ़ाकर 5 मार्च और अभी 4 अप्रैल 2020 कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अप्रेंटिस की भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी। ये भर्ती 10वीं कक्षा और ITI कोर्स के मार्क्स के आधार पर होगी। इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर कैंडिडेट का चयन होगा। अभी हावड़ा डिवीज़न के अंदर 2792 पद, ये फिटर पद हैं 281, अनारक्षित 100, वेल्डर पद हैं 61, अनारक्षित 27, मैकेनिक पद 9, अनारक्षित 6, मैकेनिक डीजल 17, अनारक्षित 9, ब्लैकस्मिथ 9, अनारक्षित 6, कारपेंटर 9, अनारक्षित 6, लाइनमैन जनरल पद 9, अनारक्षित 6, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक पद 8, अनारक्षित 5, इलेक्ट्रिशियन 220, मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस पद 9। इसके बाद सियालदा डिवीज़न में आते हैं, फिटर पद हैं 185, इसके बाद बेल्टर 60, इलेक्ट्रिशियन पद 90, लाइनमैन जनरल के हैं 40, वायरमैन पद के हैं 40, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पद हैं 75, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक पद हैं 35। मालदा डिवीज़न के अंदर इलेक्ट्रिशियन पद हैं 41, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक 6, फिटर 47, वेल्डर 3, पेंटर पद 2, कारपेंटर 2। आसनसोल डिवीज़न फिटर हैं 151, टर्नर 14, वेल्डर GDE पद 96, इलेक्ट्रिशियन पद 110, मैकेनिक डीजल 41। कंचरा पारा वर्कशॉप में फिटर पदें हैं 66, वेल्डर पदें 39, इलेक्ट्रिशियन पदें 73, मशीनिस्ट पदें 6, वायरमैन पद 3, कारपेंटर पद 9, पेंटर पद 10। लिलुआ वर्कशॉप के अंदर फिटर पद 80, मशीनिस्ट 11, टर्नर पद 5, वेल्डर पदें 68, पेंटर जनरल 5, इलेक्ट्रिशियन पद 15, वायरमैन 15, रेफ्रिजरेटर एंड AC पदें 5। जालमपुर वर्कशॉप में फिटर पदें 260, वेल्डर पदें 220, मशीनिस्ट 48, टर्नर पदें 48, इलेक्ट्रिशियन पद 43, डीजल मैकेनिक पद 65। इसके लिए जो योग्यता है, मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास की हो, इसके संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 15 साल अधिकतम 24 साल रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में OBC वर्ग के लिए 3 वर्ष, SC/ST वर्ग उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर बनी मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। अभी आता है इसका आवेदन शुल्क 100 रुपये। इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, AC, SBI, UPI या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। SC/ST दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब आता है आवेदन प्रक्रिया। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसका पूरा विवरण पढ़ते हुए आप इसके लिए अप्लाई करें। इसके साथ साथ इसमें पूरा आवेदन प्रक्रिया में पूरा विवरण दिया हुआ है कि कैंडिडेट को किस हिसाब से फॉर्म भरना है, क्या कार्रवाई करनी है। आवेदन के दौरान ये दस्तावेज जो अपलोड करने होंगे वो हैं 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, आयु प्रमाण पत्र, ITI सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की स्कैन कॉपी, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, दिव्यांग यदि विकलांग हैं आप तो उसका प्रमाण पत्र। इसका जो अंतिम लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल को है। उससे पहले कैंडिडेट पूरा अपना बायोडाटा पढ़ते हुए, इसका जो विवरण पढ़ते हुए इसके लिए अप्लाई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक यू। बाय बाय।